मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात, आखिर निम्मी ने हमसे झूठ क्यों बोला कि कासिम ने उसके सारे जहेज का सामान यतीम खाने में दे दिया। हमें इसकी आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की। लेकिन फिर भी उसने हमें ऐसे क्यों बुलाया, सीधा सीधा फोन पर बता देती। वो सीधे तरीके से कुछ कर ही नहीं सकती हमें। और जब से मुझे मालूम हुआ है ना कि पूरे खानदान में बदनामी की वजह वो है, मेरा तो उसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये शादी भी उसी की हरकतों की वजह से करना पड़ी, वरना। अम्मी आप उसको निभाने दें उसकी पसंद। मैंने कब रोका है बेटा, तो खुद चाहती हूँ अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। ठीक है तो आप उसका किला रहने दें, कुछ दिनों के लिए उसे रास्ते खत्म कर दें, वरना वो बार बार आपको बुलाकर कासिम को आजिज कर देगी। और आपको मालूम है ना कासिम ने किस तरह से सितारा को छोड़ा था। आपको सुबह से पता था, फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। हाँ बोला। क्यों? इसलिए कि बेटा अगर मैं तुम्हें सच बता देती ना तो तुम डर जाती। यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती, मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता। अगर मैं रोती तो कम से कम आपके लिए दुआ भी तो करती रहती ना। दुआ भी कर लेना बेटा, इस वक्त मैंने तुम्हें सालार के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया है। सालार के बारे क्या? ये कि बेटा मेरा नवासा वैसा नहीं जैसा वो जाहिर करता है। मतलब? अरे बेटा मुझे तो ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, तो मेरा अपना नवासा एक लड़की को अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ब्याह के घर ले आया। नहीं अभी अभी ये बातें ना करें प्लीज। क्यों नहीं कहूँ? मैंने तुम्हें इस वक्त ऑपरेशन से पहले ये बात बताने के लिए तो बुलाया था कि तुम्हें सबसे पहले मैं बता सकूं सालार से भी कहूँ। सुन रही हो ना? जी 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 सुन रही हूँ नानी। आप रिलैक्स हो जाएं, देखिए आपकी सांस फूल रही है। सालार को बुलाओ, बुलाओ उसको। मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ बेटा। नानी ऑपरेशन के बाद बात कर लीजिएगा, अभी रहने दीजिए। नहीं उसको बुलाओ ना बेटा, मैं अपने हाथ से तुम्हारी जिम्मेदारी उसके हाथ में देना चाहती। बुलाओ उसको सितारों के लिए, बुला दो साला बुलाओ। अच्छा अच्छा मैं बुलाती हूँ। Thank you.
सबा मैंने आपकी सारी चीजें रख दी हैं, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे आप बता दें। मामा जुनेद सब कर लेंगे, आपको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या डेट दी है एडमिट होने की। मॉम आपकी अम्मी का ऑपरेशन है, आप हॉस्पिटल जाए, वो आपको याद कर रही होंगी। वो जिनको देखना चाहती है ना वो हैं उनके पास। मैं उनके सामने जाके खामखा उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहती। डैड ने उनसे पैसों कर लिया है, आपको भी उनसे बात करनी चाहिए। देखिए मामा, डिस्कस करने से ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। पता नहीं सबब, मैंने देखा है कि जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ ना, प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। तो ये कि मैंने ये सोचा है कि मैं उनके सामने जाकर मजीद उनकी तकलीफ ना बढ़ाऊं। उनको थोड़ा सा हीलिंग का टाइम दूं। मामा आपको पता है दूरियां रिश्ते कभी भी ठीक नहीं करती। बल्कि कम्युनिकेशन गैप से रिश्ते और खराब हो जाते हैं, ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं।